हर हर महादेव और एक अच्छी सिपाही। आप जो रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष में 11 रुद्राक्ष होता है, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पाँच मुखी, छः मुखी, सात मुखी। सात मुखी का मतलब होता है कैंसर, जिसे हल्का कैंसर का कोई दिक्कत हो उसके लिए, पाँच मुखी हृदय में दिक्कत हो, सांस का दिक्कत हो, और तीन मुखी जैसे बच्चे बच्ची चढ़ा पड़ा, पढ़ने में मन ना लग रहा हो, ज्ञान नहीं मिला, तीन मुखी पहना दीजिए। और 11 मुखी क्या होता है, उसको पहनाने से धन का यश बढ़ता है। यह रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष एक ऐसा चीज है, शिव के अंश आंसू से निकला हुआ रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को सोते समय निकाल दें, जब नहा ले तब पहने, और उनको पानी से छिड़क कर कोई भी तेल, चमेली का या तिल्ली का तेल लगा कर तभी पहना जाता है। रुद्राक्ष को जितना चमका के रखें उतना आपकी किस्मत, आपके ग्रह का सितारा चमकेगा, आपके भविष्य चमकेगा। यह है रुद्राक्ष का पहचान। और रुद्राक्ष जो जब किया और रुद्राक्ष उसको न पहने, जब किया और रुद्राक्ष नहीं पहना, सिंपल एक रुद्राक्ष ले ली बस गले में डाले रही है, नियम रुद्राक्ष का यही होता है। रुद्राक्ष का क्वालिटी यही है, छोटा या बड़ा, छोटा दाना लेंगे लक्ष्मी का होता है, छोटा छोटा दाना होता है रुद्राक्ष का, वो लक्ष्मी स्थित होता है, लक्ष्मी आता है मिलता रहता है आपको। ये तो आप लोग को कभी भी रुद्राक्ष पहनना हो तो आप पूछ के समझ के ही रुद्राक्ष पहने, जल्दी हाथ में रुद्राक्ष लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए। बहुत लोग बोल देते हैं तो पहनते हैं, नहीं सूट नहीं करता, बड़ा दिक्कत होता है इसका पहनने का, बहुत अलग हो जाता है। तो ये है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक करिए। रुद्राक्ष एक बड़ी चीज है, उसका कोई अंत नहीं, बड़ा है ये, बहुत बड़ा महत्व है रुद्राक्ष में शिव का। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।